नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और खास बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार वापस रुख करते हैं उन बेरोजगार युवाओं का जो अपनी मांगों को लेकर राजस्थान से यूपी पहुंच चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार लखनऊ में इस समय इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। मांग केवल ये कि राजस्थान सरकार ने जो इनकी मांगे नहीं मानी उसकी शिकायत करने ये लखनऊ प्रियंका गांधी के पास पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक प्रियंका गांधी से इनकी कोई मुलाकात नहीं हो पाई। बेरोजगार नेता उपेंद्र यादव इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सीधे लखनऊ से। और लखनऊ में उपेंद्र जी, इस समय चूंकि राजस्थान जयपुर आपने छोड़ दिया और जयपुर छोड़कर आप लखनऊ में इस समय सर्द रात में हैं, तो क्या लग रहा है और किस तरह की पोजीशन है, कहां तक बातचीत पहुंची है? अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई, लगातार चौथा दिन का आंदोलन का दिन है। हमारे एक महिला जो बहन थी उनके तबियत खराब हुई और उनको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अनशन का चौथा दिन है, आंदोलन का चौथा दिन ही आया और 48 दिन हो चुके हैं जयपुर शहीद स्मारक पर। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई है, न वार्ता के लिए बुलाया गया, न कुछ कहा गया। हालांकि 27 तारीख को पूछे तो 5 लोगों का नाम लिया, कल रात को 5 लोगों का नाम लिया था, लेकिन हमें मिला ही नहीं। केवल नाम लेते हैं, औपचारिकता पूरी करें, लेकिन हम कह रहे हैं जो यहाँ महिलाएं बैठी है उसमें एक महिला गर्भवती भी है और छोटे बच्चे भी है, तो प्रियंका गांधी जी का नारा है वो हर महिला से मिल रही है, तो उनसे मिलने क्यों नहीं आ रहे? हम प्रियंका गांधी से मिलना चाहते हैं, हमारी मांगे रखना चाहते हैं कि जो हमने समर्थन दिया था, हमने साथ दिया था, आज लेकिन समझौता होता मांगों को कांग्रेस पूरा नहीं करी। प्रदीप जी, सबसे बड़ा सवाल इस समय, उपेंद्र जी, इस समय लखनऊ में आप एग्जैक्ट कहां पर आपका धरना चल रहा है? कांग्रेस कार्यालय के सामने चल रहा हमारा। कांग्रेस कार्यालय के सामने आप पिछले 4-5 दिनों से वहां पर हैं, आपके साथ बाकी के जो बेरोजगार युवा हैं वो भी आप लोगों के साथ में हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। कुछ आप बता रहे हैं कि महिलाएं भी आपके साथ में, जिनमें कुछ प्रेग्नेंट जो लेडी हैं वो भी आपके साथ में हैं, जो अपनी मांगों को लेकर सब कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल ये कि जब 4-5 दिन यहाँ पर आपको गुजर चुके हैं और आप ये कह रहे हैं कि अभी तक किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सीनियर लीडर से आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई है, तो क्या ऐसा करेंगे? क्योंकि प्रियंका गांधी तो इस समय खुद यूपी से बाहर है और राजस्थान के सवाई माधोपुर में, जैसा कि जो खबरें हैं कि सवाई माधोपुर में है, तो कब तक आप उनका इंतजार करेंगे? क्या राजस्थान सरकार से एक बात पहले भी बीच में बात सामने आई थी कि वहां का कुछ जो आपका प्रतिनिधि मंडल है वो जयपुर पहुंचकर बात करेगा, क्या कहानी रही, क्या कुछ रहा उस मामले में? ये तो केवल यहाँ के कांग्रेस के पदाधिकारी आते हैं, कभी हमें बीजेपी का एजेंट बताते हैं, कभी बीजेपी का दलाल बताते हैं, ऐसे वो नहीं बात करते, हमें उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुल मिलाकर यह पूरे दिन ये सोचते हैं इनको हटाया कैसे जाए। कभी NSI का प्रदर्शन करवाते हैं, पुलिस प्रशासन को बुलाते हैं कि देखो NSI के लोगों को यहाँ बैठने दो, बीजेपी के यहाँ तब तक के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ बैठे, तो पूरी राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हमें हटाने के लिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम कोई नया एजेंट है, न दलाल है, हम वही लोग हैं जो कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम किया था। 4 दिसंबर 2018 को जो समर्थन दिया था PCC में बैठकर, प्रमोद तिवारी जो उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडर है, पवन खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उससे पहले 1 दिसंबर 2018 को राहुल गांधी जी से भीलवाड़ा में मुलाकात करवाई गई थी कांग्रेस के नेताओं द्वारा, और फिर समर्थन लिया गया था उनसे और वो सत्ता में आए। उपेंद्र जी, आपने कोई मैसेज भेजा है क्या प्रियंका गांधी को मिलने के लिए कि भाई हम लोग राजस्थान से यहाँ पहुंचे हैं? देखो, मैसेज तो मीडिया के माध्यम से लगातार जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा हुआ है, गली गली में शोर है कि राजस्थान से युवा आए हुए हैं। लेकिन बात यह है कि प्रदीप जी, मैं कुछ कहना और चाह रहा था कि मैं कहना चाह रहा हूँ अपने राजस्थान के यूथ कांग्रेस के, NSI के, यहाँ के प्रदेश उपाध्यक्ष, कई लोगों ने हमारे फोटो डालकर हमें बीजेपी का एजेंट बताया है। तो राहुल गांधी जी से हमारी मुलाकात हुई, प्रियंका गांधी से हमारी मुलाकात हुई, कई बार मंत्री से मुलाकात हुई, कई बार CM साहब से मुलाकात हुई। क्या ये तमाम लोग बीजेपी के दलाल से मिलकर क्या कर रहे थे? इतने दिन तक क्यों मिल रहे थे? बीजेपी के दलाल से समर्थन क्यों ले रहे थे? बीजेपी के एजेंट से क्यों मिल रहे थे? इनसे गुलदस्ताई क्यों ले रहे थे? गुलाब के फूल क्यों ले रहे थे हम बीजेपी के एजेंट से? दूसरी बात, इन्होंने मेरा नहीं, इन युवाओं का नहीं, राजस्थान के 1 करोड़ युवाओं का अपमान किया है।
कांग्रेस के पदाधिकारियों को माफी मांगनी थी उनसे, उन्होंने एजेंट बताया, उन्होंने दलाल बताया, माफी मांगनी चाहिए और अपने वादा पूरा करना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2023 से जो सपना देख रहे ना, ये सपना कभी साकार नहीं होगा। 10 से नीचे ज्यादा सीट नहीं आने देंगे युवा, युवा आक्रोशित है, दुखी है, क्योंकि आप एक तो उनके सुन नहीं रहे और आज इनको एजेंट दलाल। और सबसे बड़ा सवाल एक बुरा इस बात का लगा, यहाँ पदाधिकारी पता क्या कह रहे हैं कि जो ये महिलाएं ये 500-500 रुपए में आप किराए पे लेके आए हो, इन बहनों के लिए, बेटियों के लिए आरोप लगा रहे हैं, इनको यहाँ से लेके आए हो, ऐसे आरोप ही लगा रहे, घिनी हरकत कर रहे, षड्यंत्र रच रहे हमें उठाने की। लेकिन हमने निश्चित कर लिया प्रियंका गांधी जी से मिलकर समस्याओं का निस्तारण करके ही जाएंगे, चाहे हमारी मौत क्यों हो जाए, हम जाने वाले नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा था आपको, आपने पूछा था आप जाओगे, मैंने कहा जाऊंगा, आपने कहा कब आओगे, मेरे को मुलाकात करें, समस्या का निस्तारण करके आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। और रही बात, आज छोटा दिन है, शायद मेरा चेहरा भी आप देख सकते हो, चेहरे से भी स्पष्ट हो जाएगा थोड़ा सा कि अनशन का आज छोटा दिन है मेरा भी, और चार बहने हैं टोटल, हम पांच लोग अनशन पे है कि कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा से है और वो गांधीवादी नीतियों को जानती है, तो अनशन बैठ के मेरा भी दुर्भाग्य खेलो, मैंने कभी सोचा नहीं था। पिछली बार जब अनशन किया था मैं जिंदगी में अनशन नहीं करूंगा, इस बार अनशन किया था मैंने सोचा नहीं था नहीं करूंगा, क्योंकि डॉक्टर की जो रिपोर्ट हर बार हमेशा मैं सोचा नहीं करूंगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि जहां एक तरफ युवा उनके सपने और एक तरफ राजनेता मजबूरी में, क्योंकि हम और कुछ इनको भाना मिल जाए तो हम उठा के भगा दे, लेकिन हम अनशन एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा हम बात पूछने की कोशिश करते हैं कि गांधीवादी विचारधारा। उपेन जी आप ये कह रहे हैं कि आपने प्रियंका गांधी को अभी डायरेक्ट कोई कॉल या संपर्क करने की कोशिश नहीं की, आप सीधे तौर पर मीडिया के जरिए जो खबरें सामने आ रही हैं उनके जरिए ही आप उस धीरज गुजरिया से बात हुई थी, धीरज गुजरिया से बात हुई थी, वो कह रहे थे वो कोशिश कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय सचिव है और यहाँ के सह प्रभारी है उनसे बात हुई थी, और यहाँ के जो प्रदेश महामंत्री है यहाँ के पांडे जी वो भी हमारे बीच में कई बार रखे गए थे, तो बात उनसे लगातार हो रही है, सारा पता उनको है। और अब देखते हैं कि कब मुलाकात होती है, लेकिन बिना मुलाकात हम आएंगे नहीं, यहाँ धरने पर हम बैठे हैं। लेकिन यहाँ भी जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी आगे इस बात का पैगाम तो पहुंचाया होगा ना कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं राजस्थान से जो प्रियंका गांधी से मुलाकात करने चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका मैसेज तो उन तक पहुंचा ही होगा। देखो पूरे देश में बड़ा हल्ला हुआ है, सब जगह मीडिया के माध्यम से भी, पुलिस के माध्यम से भी, इनके पदाधिकारी के माध्यम से भी बात जारी है। एक सवाल हो रहा है, इन्होंने जल्दबाजी में आरोप तो लगा दिया बीजेपी के एजेंट है, लेकिन अब धीरे धीरे पोस्टों को डिलीट करने में लगे हैं, क्योंकि हमने जवाब दिया, जब हमने तस्वीर राहुल गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी की, मुख्यमंत्री जी सबके हमने जवाब दिया कि ये तस्वीर है, कि समर्थन क्यों लिया, उस समय क्या दलालों से मिले, उसके बाद वो धीरे धीरे ट्वीट को डिलीट करने में लगे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग इनके जो वेरीफाइड अकाउंट है, बड़े जो यूनिवर्सिटी के पूरे छात्र नेता रहे हैं, वो लोग आप देखोगे उनकी ये दुर्दशा हो गई, राजस्थान के यौन उनको ये लताड़ा है, ये जवाब दिया, आप देखना खुद जाकर उनको ये जवाब दिया कि वो जवाब देते देते थक चुके हैं, लेकिन उन्होंने यौन से गलत पंगा ले लिया, इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। अभी भी समय है कि हमारी मांगों को आपके साथ जो एक दो व्यक्ति यहाँ पर जो बेरोजगार जो बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति से मेरी सीधी बात करा सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप बात करना चाहो, हाँ करो, हनुमान बोलो, लो ये लगाओ, हाँ बोलो, बोलिए सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सर। हाँ, आप कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनुमान डाका है और मैं सुजानगढ़ से हूँ, और सुजानगढ़ में जब उपचुनाव हुआ था तब गोविंद सिंह जी डोटासरा जी वहाँ आए थे और कहा था कि स्कूल व्याख्या था भर्ती परीक्षा 2018 में जो 14% पद हमने काटे हैं वो पद हम वापस दे देंगे, आप मनोज जी मेघवाल के समर्थन में प्रचार प्रसार करो, आपको जयपुर आने की दरकार नहीं पड़ेगी, गोविंद सिंह डोटासरा का आपके पास टेलीफोन आएगा। ये बात थी 8 अप्रैल 2021 की। उसके बाद में कोई टेलीफोन नहीं आया, रात को भी जब घंटी बजती है तो हमें ऐसा लगता है कि मंत्री जी का टेलीफोन आ गया है। फिर 29 अक्टूबर 2021 को फिर मंत्री जी और सीएम साहब, पीसीसी चीफ और सीएम साहब उसी कातर जनसभा में जाते हैं और प्रशासन गांव के संघ अभियान में जाते हैं अवलोकन करने, वहां जाके कहते हैं मैं उपचुनाव के अंदर आया था, अगला कदम क्या है आप लोगों का?
देखो हमारा कदम कोई लंबा तोड़ा नहीं है, हमारी राजस्थान के अंदर सुनी नहीं जा रही। 48 दिन से हम वहां पर जयपुर में बैठे थे, हम प्रियंका जी को इतना सा वो वीडियो दिखाना चाहते हैं जो घोषणा की है, कि जब पीटीसी चीफ सीएम साहब के सामने बोल रहा है कि हम ये पद बढ़ा देंगे, तो अभी तक इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं, हमें रोजगार दीजिए। वहां के जो मंत्री है वो हमारे साथ में वादा खिलाफी कर रहे हैं, अधिकारी तानाशाही कर रही है। एक और पीस स्टेप कहते हैं, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। हम हमारी गुहार लेने यहाँ पर आए हैं। चलिए हनुमान जी एक बार उपेंद्र जी को दीजिए। सर मैं महिला अध्यर्थी से भी आपकी बात कराना चाहूंगा। हाँ कराइए। तो दोनों का नाम लगा लो, आवाज आएगी। हेलो सर। हाँ आपका नाम बताएं। हेलो सर आपका नाम बताइए। आवाज नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज आ रही है? सर मेरा नाम विनोद कुमारी है। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। अच्छा तो क्या अब जो आप यहाँ पर जो धरना दे रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, कब तक कितने दिनों के लिए आप बैठे हैं यहाँ पर? सर हम 4 दिन से यहाँ अनशन पे बैठे हैं, 48 दिन से जयपुर में बैठे हैं। आगे क्या सोच रहे हैं आप? अपना परिवार छोड़कर पहुंचे हैं यहाँ पर, इतनी दूर आप अपने घर से हैं, सर्दी का टाइम है लेकिन कोई भी मिलने नहीं आ रहा है, तो आगे क्या सोचते हैं आप? सर कोई अगर मिलने नहीं आता, जब तक हमसे प्रियंका दीदी से मुलाकात नहीं हो जाएगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इस बार तो हमें चाहे कुछ भी करना पड़े हम दीदी से मिलके ही जाएंगे। हम हमारी जो पुकार लेके आए हैं वो पुकार एक बार उन्हें सुनाना चाहते हैं। क्या दीदी के पास हमारे लिए इतना सा टाइम नहीं है कि वो हमारी एक पुकार सुन ले? यूपी में तो वो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं कि वो 25 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगी, महिलाओं को 40% आरक्षण देंगी, स्कूटियां देंगी। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या हम लड़कियां नहीं है? हम भी तो राजस्थान की बहन बेटी है किसी की। आज हमारी एक बहन हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ के आई है, उसका बीपी लो हो गया था, बेहोश हो गई थी। हमारे ऊपर उस टाइम क्या बीत रही थी हम जान रहे हैं कि उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे? क्या प्रियंका दीदी के लिए हमारे लिए इतनी सहनशीलता नहीं है उनके अंदर? बिल्कुल। चलिए धन्यवाद आपका। उपेन जी को एक बार हमारी प्रियंका दीदी से मुलाकात करा दी जी। उपेन जी को दीजिए, उपेन जी को दे दीजिए एक बार। हेलो उपेन जी, कुल मिलाकर इंतजार आप लोगों को केवल ये है कि जब तक प्रियंका गांधी आपसे मुलाकात नहीं कर लेती है तब तक आप यूपी का ये लखनऊ शहर नहीं छोड़ेंगे, राजस्थान आप नहीं आएंगे, ये आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। लेकिन सवाल केवल ये कि अगर मुलाकात हो भी जाती है तो जो आपकी मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर आप वहां परेशान हो रहे हैं, क्या वो पूरी हो पाएगी? देखो प्रियंका गांधी जी आला कमान, आपने देखा होगा राजस्थान में जो सीटें खाली थी कांग्रेस के एमएलए के विधायक के मंत्री के लिए, वो भर चुकी है प्रियंका गांधी की सहमति। तो राजस्थान के बेरोजगारों की जो भर्तियां लंबित है पूरी करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और पूरी उम्मीद है उनसे मुलाकात होगी तो समस्या को हल होगा। हमारे पास तमाम सबूत है, लिखित समझौता है, वीडियो है, वो दिखाएंगे। और फिर भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो आपको पता है 2023 आने वाली है, दिसंबर में हम एक बड़ी यात्रा निकालेंगे। बेरोजगार विरोधी सरकार युवा पीछा नहीं छोड़ेंगे, राजस्थान से उखाड़ फेंकेंगे कांग्रेस को। ये हमने शपथ दीपावली के दिन ली थी, यदि मांगे नहीं मानी पीछा नहीं छोड़ेंगे। और फिर अभियान चलेगा नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं का पोस्टर फाड़ अभियान, काले झंडे दिखाना अभियान, बहुत कुछ करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो कुल मिलाकर उपेन्द्र जी का सीधे तौर पर कहना यही है कि जब तक प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं होती वो यूपी से राजस्थान नहीं लौटेंगे, और अगर प्रियंका गांधी से मुलाकात होने के बाद भी उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ, उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो आने वाले साल 2023 के जो विधानसभा चुनाव है वहां पर राजस्थान के ये बेरोजगार ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ जमकर सड़कों पर उतरने का वादा भी कर रहे हैं। ये कहना है राजस्थान के बेरोजगारों का और बेरोजगार नेता उपेंद्र यादव का। आज के लिए फिलहाल उपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आपसे मुलाकात होगी।
फिर हमें आप अपडेट दीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।